हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आप सभी को पता है, मैं डेली एक चैप्टर कवर करा रहा हूं आपका मैथ का, रीजनिंग का, और ऑनलाइन टेस्ट चलता है रात को, तो ये सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 10 ऐसे पर्सन जो कि हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में और उनमें प्रॉब्लम रहती है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ट्रिक नहीं पता है, तो वो सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं आज इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी उन सभी क्वेश्चंस में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सके तो शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे इसी तरीके की वीडियोस लेने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, और यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस को। सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हाई लेवल के क्वेश्चन पे हम जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे जाने के बाद में जब हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा इसमें सी पी और कौन सा एस पी है, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे स्टेप बाई स्टेप, तो प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आएगी। मैंने लिखा है यहाँ पर सी पी क्रय मूल्य। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होगी कि सीपी को ही क्रय मूल्य बोला जाता है। और राम ने 10,000 रुपये में मोबाइल खरीदा, यानी कि जितने रुपए में राम ने मोबाइल को खरीदा वो क्या है, सीपी है, वो क्रय मूल्य है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, राम ने 12,000 रुपये में मोबाइल बेच दिया, एक तो ये सीपी है, और राम ने 8,000 रुपये में बेच दिया, सॉरी सेलिंग प्राइस है, एसपी है, 8,000 रुपये में मोबाइल बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस है। दो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, राम ने एक बार तो इस मोबाइल को प्रॉफिट पे बेचा है 2,000 के, और एक बार बेचा है लॉस पे। तो इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे कि सेलिंग प्राइस आपकी दो हो सकती है। ठीक है, एक आपकी प्रॉफिट वाली, एक लॉस वाली। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जब हमारा प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बड़ी होगी, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आपकी बड़ी होगी, और जब हमारा लॉस होगा तो हमारी सीपी से सेलिंग प्राइस छोटी होगी। तो इस चीज़ को यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको, जब प्रॉफिट होगा तो जो 12,000 रुपये में मोबाइल बेचा है, 10,000 का मोबाइल, तो हमारी सीपी बड़ी है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, और जब लॉस होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब भी आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो नीचे जो रखा जाएगा बेस में रखा जाता है, जब पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, लॉस परसेंटेज बताइए, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो नीचे हमेशा सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, क्रय मूल्य आता है। ठीक है, अब एक बार तो सीपी आपका बड़ा है और एक बार छोटा है। अब छोटा जब होता है, जब प्रॉफिट होता है, तो जब भी प्रॉफिट होगा तो नीचे छोटे वाली अमाउंट आएगी, नीचे छोटे वाली जब भी प्रॉफिट होगा, और जब भी लॉस होगा तो नीचे बड़े वाली अमाउंट आएगी। है दोनों बार सीपी, बट इस कंडीशन को समझ लीजिए, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं कि अब नीचे कौन सी आएगी, तो छोटे बड़े से भी आप समझ सकते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो नीचे छोटा, प्रॉफिट के टाइम पे नीचे छोटा और लॉस के टाइम पे नीचे बड़ा आएगा। वो मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में बताऊंगा, इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक बेसिक से क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है 5 और 4, हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ आप समझ गए, कॉस्ट प्राइस यानी कि राम ने जितने में खरीदा था, 5 में खरीदा था यानी कि कॉस्ट प्राइस, और 4 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ, 1 का। यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है, और मैंने क्या बताया था अभी आपको, लॉस के टाइम पे नीचे कौन सा आता है, बड़े वाला, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, सीपी। तो मैंने बताया था आएगा नीचे सीपी, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि बड़े वाला आता है, क्योंकि कई बार ये समझ में नहीं आता कि नीचे अब रखे कौन सा, तो आप समझ जाइए कि नीचे बड़े वाला आएगा जब लॉस होगा, तो 1/5 गुना 100 कर दीजिए, 20% का लॉस आपका राइट आंसर आ गया। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी किसी वस्तु को हानि पे बेचा जाता है, तो आपको क्या करना है, 100 माइनस जितनी हानि पे 25, तो 25 माइनस कर दीजिए, यानी कि उसे 75% पे बेचा गया। अगर किसी वस्तु को प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, लाभ पे बेचा जा रहा है, मान लीजिए 25% के लाभ पर बेचा जाता, तो 100 + 25 करते, तो वो 125% की वैल्यू पर बेचा गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि रेडियो को 25% हानि पर बेचा गया और 510 रुपये मुझे प्राप्त हुए, तो जो मेरी सीपी थी, क्रय प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो 100% होगा,
बट जब मैंने उसको बेचा तो मुझे मिले 25% हानि के प्राइस, यानी कि 75% मिले सिर्फ मेरे को, क्योंकि 25% की मुझे हानि हुई है और जो उसके प्राइस थे 25% हानि के वो 510 रुपये थे, यानी कि आपको मिला 75% की वैल्यू। 100 में से 75% की वैल्यू के इक्वल क्या है, 510 रुपये। आपको निकालना क्या है तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो यानी कि जब मैं 25% उस पर लाभ कमाऊंगा तो मैं उसे कितने में बेचूंगा, 100+25 में, तो 125 में मैं उसको बेचूंगा। तो आपको क्या करना है, 75% की वैल्यू आपको पता है तो 510 को 75 से भाग कर दीजिए और 125 से गुणा कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 25×5 125 और 25 दिया 75 और 3 से जाएगा 510, 170 बार, 170 की 5 में कर देंगे तो 850। तो अगर मैं इस वस्तु को 850 में बेचता हूँ तो मुझे 125 यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये 850 125% की वैल्यू हो जाएगी, समझ गए। जब मैं इसको 75% पे बेचता हूँ तो 510 मिलते हैं, और जब मैं इसको 125 पे बेचता हूँ यानी कि 25% लाभ पे बेचता हूँ तो 850 रुपये मुझे मिलते हैं, समझ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी तरीके का, ताकि डाउट ना रहे बिल्कुल भी। एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14%, यहाँ पे 14% लिखा है, का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य होगा, उसका हमें सेलिंग प्राइस बताना है 8% के प्रॉफिट का। मैंने फिर बताया आपको कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 100% होती है, और उस पर यहाँ पे 2,850 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 114% पे बेचा होगा मैंने। जब 14% का लाभ हुआ, 100+14 कर लेंगे तो 114% पे बेचा होगा, यानी कि 114% की वैल्यू मुझे पता है 2,850 है, तो 2,850 114% की वैल्यू है, तो मुझे चाहिए कितना, 8% का लाभ चाहिए बस। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए, अगर मुझे 8% ही लाभ कमाना है तो इसका मतलब मैं 108% पर बेचूंगा, और 114% की वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा 114 से, 2,850 को 114 से भाग कर दूंगा और केवल मुझे चाहिए 8% प्रॉफिट, यानी कि 108 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 2,850 जाएगा 114 से 25 बार, और 25 की 108 में करेंगे तो 2,700 आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों मुझे साथ ही साथ ये बताते रहिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक का बटन दबाइएगा ताकि मैं ये देख सकूं कि कितने बच्चों को यहाँ पे समझ में अच्छे तरीके से आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी जब वीडियो का आप पूरा एंड तक देखेंगे ना, कुछ क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग और इतने इंपॉर्टेंट है कि मजा आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम रहती थी, और उसके बाद नहीं रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ा। यदि कुल सामानों की संख्या 700 है, उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, सीपी उसकी क्या बनेगी, 12,000 रुपये का सामान खरीदा, 2 रुपये उसे अतिरिक्त खर्च पड़ा है उसे दुकान तक लाने में, तो 2,000 रुपये वो भी ऐड कर देंगे भाई। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, हमारी लागत। जब किसी सामान को हमने खरीदा और उसमें एक्स्ट्रा भी खर्चे हो रहे हैं तो वो भी तो उसकी लागत ही हुई ना, तो 2,000 वो भी इसमें प्लस कर देंगे। यहाँ पे ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, इसको ऐड नहीं करते हैं। तो उसका जो सीपी बन गया वो कितना बन गया, 14,000, 14,000 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस बन गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उसने टोटल सामान है वो 700 हैं, अगर उसने 700 सामानों को 23 रुपये प्रति सामान के हिसाब से बेच दिया तो कितने के हो गए, ये हो गए 16,100 रुपये के, यानी कि उसने 16,100 रुपये में बेचा 14,000 रुपये का सामान, तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपका हो जाएगा 14,000 को इसमें से माइनस कर देंगे 16,100 में से, तो 2,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसा होना चाहिए। अब एक ये क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे अब मैं समझाऊंगा आपको कि बड़े छोटे का मतलब जो मैं आपको बता रहा था शुरू में उसका क्या यूज है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, और वह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ।
तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि कुछ मतलब गड़बड़ करके वो 950 ग्राम बेचता है, ठीक है, एक किलो के स्थान पे 950 ग्राम बेचता है, वो कुछ गड़बड़ कर देता है, ठीक है। जब वो 950 बेचेगा एक किलोग्राम के जगह पे, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है बेचने में। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 50 ग्राम का, हर एक किलोग्राम पे 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि वो कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, ठीक है। और ये वो ये बोलता है कि मैं जितने में खरीदता हूँ ना सामान को, उतने में बेच देता हूँ। तो अगर वो जितने में खरीदता है उतने में बेच देता है, बट प्रॉफिट वो कहाँ से कमा रहा है? जो ये कम बेचता है तोलने में, यहाँ से वो प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 50 ग्राम का प्रॉफिट कमाएगा। अब मुझे ये बताइए, प्रॉफिट हम किस चीज़ पे निकालते हैं? छोटे वाले अमाउंट पे या बड़े वाले अमाउंट पे? अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि नीचे कौन सी रखी जाए। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉफिट हमेशा छोटे वाले अमाउंट पे निकाला जाता है। तो छोटे वाले नीचे रख दीजिए, 50/950 और गुणा 100, तो यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 से 95 जाएगा 19 बार, 100 को 19 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 से 5/19, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब समझ में आ गया कि जब आपको ये समझ में ना आए कि नीचे कौन सी अमाउंट रखी जाएगी, तो प्रॉफिट होते ही नीचे छोटे वाली अमाउंट, लॉस होगा तो नीचे बड़े वाली अमाउंट, बस आपको इतना करना है। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, अभी परसेंटेज का चैप्टर मैंने आपको कराया था, और परसेंटेज का एक वीडियो है जो ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देख लीजिएगा। वहाँ पे भी मैंने ये आपको ट्रिक बताई थी कि इसका अभी बहुत यूज होगा, और आप इस ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ गई है, तो इसको देख लेते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है, तथा सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है, तो बताओ उसे पूरे सौदे में कितना लाभ होगा? अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें लगाएंगे तिकड़मबाजी कुछ और करके, बट अगर आपको पता है इस ट्रिक का तो आप इसे कर लेंगे सेकंडों में। इसको तो रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसी चुटकियों में हल कर देते हैं। यहाँ पे है आपको x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, आपको इतना पता होना चाहिए। जब भी 2% को 1% बनाना हो, 2% का कंक्लूजन निकालना हो कि उनसे बना क्या है, प्रॉफिट बना, लॉस बना, जो भी पूछा जाए, तो इसको उठा के अप्लाई कर दीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ 2% दिए ना, कुछ भी नहीं दिया है डाटा, तो आपका ये अप्लाई होगा, और इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, भाई जब वो खरीदता है तब भी 10% की गड़बड़ करता है, जब बेचता है दस परसेंट की गड़बड़ करता है, यानी कि वो 10% प्रॉफिट तब कमा रहा है, 10% प्रॉफिट अब कमा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, बट वो राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 × 10 अपॉन में 100 आपको करना है। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20, और ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 1 की 1 में करेंगे तो 1, तो उसे 21% का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका होगा सही आंसर, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम है, बताइएगा दोबारा से, तो दोबारा से भी बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में, पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन एक एक बार आ चुका है, बस थोड़ा सा लो हाई लेवल रहता है, यानी कि ये लो हाई लेवल भी नहीं बोल सकते, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है, 4 रुपये में 3 के दर से नींबू खरीद कर 3 में 4 की दर से बेच दिए, तो बताओ हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लगा होगा क्वेश्चन, अब करेंगे कैसे ये तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे बोला 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 में 4 की दर से बेच दिए, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ पता होना चाहिए, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, बस अगर आपको इतना पता चल गया, तो एक साइड में लिखिए प्राइस, एक साइड में लिखिए क्वांटिटी, 4 में 3 खरीदे ये सोचिए, और 3 में 4 बेच दिए, तो ऑब्वियसली बात है आप सीधा सीधा देख सकते हैं हुआ तो लॉस ही है। बट आपको अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, इस तरीके से उठा के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की 3 में करेंगे 9, 4 की 4 में करेंगे 16। अब अगर क्वांटिटी वाली साइड बड़ी आए, अगर ये वाली साइड बड़ी आए तो हमेशा लॉस होगा, और अगर ये रुपीज़ वाली साइड बड़ी आए तो ये आपका प्रॉफिट होगा। समझ गए, लॉस कब होगा, जब क्वांटिटी वाली साइड बढ़ी आए, और प्रॉफिट कब होगा, जब आपका रुपीज़ वाली साइड बढ़ी आए। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात ही खत्म हो गई कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सीधा सीधा समझ में आ गया कि लॉस हुआ है, ये कितना लॉस हुआ है, 7 का लॉस हुआ है।
अब फिर बात आती है कि इन दोनों में से नीचे कौन सा रखा जाए। नीचे आपका रखा जाएगा जब लॉस होगा, नीचे क्या रखा जाएगा, बड़े वाली अमाउंट। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो नीचे रख दीजिए ये। 7/16 गुना 100 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 43.3/4% आपका प्रॉफिट सॉरी लॉस आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 43.75% का लॉस होगा। अब ये बताइए कैसा मतलब क्वेश्चन लगा आपको ये सोल्व करने के बाद में। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर के लिए, तो ट्राई करके देखिए, आंसर दिए दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर देखूंगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, ताकि मुझे पता चलेगा कि जो मैंने ट्रिक आपको सिखाई वो आपको समझ में कितनी आई है। तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अगर नहीं होगा वो भी बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब यहाँ पे जब किसी वस्तु को मूल्य पर किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। मैंने माना उसका क्रय प्राइस जो CP है वो 100 है। अब जब उसे 20% का लाभ होगा उसे बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई समझे आप इसको, कॉस्ट प्राइस उसका 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120। ये क्वेश्चन तो हो गया आपका यहाँ तक। अब यदि के बाद क्या बोला जा रहा है, यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे, दोगुने मूल्य यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए, 120 का डबल कितना होगा, 240। तो अगर वो उसे 240 पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। भाई कॉस्ट प्राइस तो अभी भी हमारी 100 ही है, ठीक है, और न्यू प्राइस हमारा जो बन गया सेलिंग प्राइस वो कितना बन गया, 240। तो ये डिफरेंस कितने का आया, 140 का। तो यहाँ पे इससे निकाल लेंगे लाभ, तो 140 को 100 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज पूछी गई है तो 100 से 100 कट जाएगा। 140% का आपको लाभ हो गया, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 140%। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन, अगर समझ में आया तो बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसे यार ब्लर सा हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ के बताता हूँ, समझ में तो आ रहा होगा। किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी 10% लाभ पर बेची, किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी 10% लाभ पर बेची, यदि वह 20% कम पर खरीदे तथा 10 रुपये अधिक पे बेचता तो उसे 40% लाभ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेकंडों में होगा, समझिएगा एक एक लाइन को। भाई किसी व्यक्ति ने कुर्सी 10% लाभ पर बेची, यानी कि कुर्सी का जो CP होगा, क्रय प्राइस होगा, उसने 100 में खरीदी होगी, 110 में बेच दी 10% लाभ पर। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन कहाँ तक, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, ठीक है। वह उसे 20% कम में खरीदे, यदि वह उसे, देखिए यहाँ पे, यदि वह उसे 20% कम में खरीदे, 20% कम में यानी कि 80 में अगर वो खरीदे और 10 रुपये अधिक रखकर 40% का लाभ कमाए, यानी कि उसके 10% बढ़ा, 10 रुपये बढ़ा के 40% का लाभ कमाए। अब जब वो 80 रुपये में उसे बेचेगा तो अब मैं 80 पे तो 40% का लाभ कमाऊँगा, जब मैं उसे 80 में खरीदूँगा सॉरी, तो उस पर जो 40% का लाभ मेरे को कमाना है वो 80 पे तो कमाना है, मैं उसमें 20% कम में खरीद रहा हूँ, 80 रुपये में खरीद रहा हूँ मान लीजिए, अब उस पर 40% का लाभ मैं 80 पे तो कमाऊँगा, तो 80 पे 40% का लाभ कमाने के लिए 100 से भाग करूँगा, 140 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ गया। तो यहाँ पे 112 रुपये में उसे बेच रहा हूँ मैं, यानी कि 112% में सॉरी, जब मैं उसे 100% में खरीद के 110% में बेचता था तो 10% का लाभ होता था, जब मैं उसे 80 में खरीद के 112% 80% में खरीद के 112% में बेचता हूँ तो मुझे कितना 40% का प्रॉफिट होता है। 80% में खरीदा, 112% में बेचा, 40% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि ये जो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ से 110% था, 112 हो गया, यानी कि वो उसे यहाँ पे 2% का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये जो 10 रुपये बढ़े हैं यहाँ पे, ये जो 10 रुपये बढ़े हैं ये इसकी वजह से हुआ है। तो 2% के बराबर 10 है आपका, तो 100% के इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2% के इक्वल ये है, 100% के इक्वल हो जाएगा आपका, 10 को 2 से भाग कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आया ना, मैं जल्दी से एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पॉइंट रह गया है जो दोबारा से डिस्कस कर लेना चाहिए। CP था 100,
110 रुपये में उसे, सॉरी 110% पे उसे बेच दिया। जब वो 10% का लाभ कमाता है तो 100% की चीज़ को 110 में बेच देता है, 10% का लाभ हो जाता है। वो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में यदि वह 20% कम में खरीदे, 100% की बजाय वो 80% में खरीदे और उसे 10 रुपये अधिक रख के 40% का लाभ कमा ले, यानी कि अब मैं 80 पे ही तो 40% का लाभ कमाऊंगा, तो 80 को 100 से भाग करूंगा, 40% का लाभ कमाने के लिए 140 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 112% में मैं उसको बेचता हूँ। 10 से बढ़ के 112 में बेच रहा हूँ, 2% का इंक्रीमेंट हो गया, 2% के इक्वल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हुआ था, 10 अधिक रखते हैं, तो 2% के इक्वल अगर 10 है तो 100% की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे, तो इसलिए 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, जितने में उसे खरीदा था ना उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है, ट्रिक है यहाँ पे बहुत अच्छी, कि जो 56 रुपये लिखे हैं ना, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों की मल्टीप्लाई करके तो 56 आए और दोनों का डिफरेंस 10 आए, ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसको जान लीजिए कि 56 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 56 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बट ऐसा फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 14 में से माइनस 4 करेंगे, 14 चौका 56 और 14 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 4 माइनस करेंगे तो 10, तो अब आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट पूछा है कितने मूल्य का प्रतिशत होता है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे जो छोटे वाली अमाउंट होगी बस उसमें आपको 0 लगाना है, छोटे वाला जो फैक्टर होगा, और वो उतने परसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं इस क्वेश्चन को, अगर समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसको करिए, और लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आज घर पे करने को लिए आपको दिए हैं, तो दोनों को ट्राई करिए, और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे भी है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे जाकर के, तो वहाँ पे मिल जाएगा सबसे ऊपर ही। डेली पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ करंट अफेयर की, मैथ की और रीजनिंग की, और भी बहुत सारी वीडियो के लिंक जो आप तक नहीं पहुँच पाते कई बार, वो यहाँ से मिल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि किसी दूसरे बच्चे की भी हेल्प हो सके। कोई भी डाउट रहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा सौरभ मलिक, SAURABHMALIK, सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो करके कोई भी डाउट रहता है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मतलब यूट्यूब पे पूछना पॉसिबल नहीं होता है, हज़ारों लाखों की तादाद में कमेंट आते हैं तो उनको रीड करके वहाँ पे रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये आपका। और फेसबुक पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, टॉपिक स्टडी का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है टॉपिक स्टडी का अलग से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।